समाजवादी पार्टी में चल रही खेचतान आज लखनऊ से दिल्ली पहुंच रही है। पार्टी के दोनों गुट आज चुनाव आयोग से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश खेमे के राम गोपाल यादव और किरणमय नंदा चुनाव आयोग से मिलकर अखिलेश को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी देंगे और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा भी पेश कर सकते हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव आज दिल्ली में बैठक के बाद चुनाव आयोग से मिलेंगे। मुलायम ने चुनाव आयोग को कल हुए अधिवेशन के अवैध और असंवैधानिक होने की जानकारी दी। उन्होंने साथ ही कहा कि अधिवेशन में लिए गए फैसले मान्य नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी में चल रहे विवाद पर सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि पार्टी में विवाद पर उन्होंने कड़ा लेकिन जरूरी फैसला लिया है। इससे पहले लखनऊ में पार्टी के विशेष अधिवेशन में अखिलेश यादव पिता मुलायम सिंह को हटाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। उन्हें अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आपात अधिवेशन में पारित हुआ। साथ ही शिवपाल यादव को भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और मुलायम सिंह को पार्टी का मार्गदर्शक बना दिया। कि मैं जितना नेताजी का सम्मान पहले करता था उससे कई गुना ज्यादा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान मैं करूँगा। हालांकि कुछ घंटों बाद मुलायम ने अनुशासन तोड़ने का आरोप लगाते हुए राम गोपाल यादव, किरणमय नंदा और नरेश अग्रवाल को पार्टी से निकाल दिया। वहीं एक डिनर पार्टी में नजर आए शिवपाल यादव ने अपना हाले दिल एक गाना गाकर बयान किया। आज लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी की परिवर्तन महारैली होगी। पीएम की रैली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि रामाबाई मैदान पर होने वाली इस रैली में पीएम पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर कुछ कह सकते हैं। रैली के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। बीजेपी रैली में करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा कर रही है जबकि मैदान की क्षमता 5 लाख लोगों की है। रैली को देखते हुए ट्रैफिक के कई रूट बदले गए हैं। गरीबों और लोअर मिडिल क्लास को लेन देन में खास ध्यान रखने की पीएम मोदी की अपील के एक दिन बाद ही देश के तीन बड़े बैंकों ने अपने लोन सस्ते कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्याज दरों में 0.9%, पंजाब नेशनल बैंक ने 0.7%, जबकि यूनियन बैंक ने 0.65% की कटौती की है। नई दरें कल से लागू हो गई है। SBI की ब्याज दर 10 साल में सबसे कम हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि दूसरे बैंकों को भी मार्केट शेयर बचाने के लिए ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ेगी। बैंकों ने अपने बेस इंटरेस्ट रेट में कमी की है, यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं फिर सारे बैंकों का अभिनंदन करता हूं। नए साल की शुरुआत होते ही आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। सब्सिडी वाले रसोई सिलेंडर के दाम 2 रुपए बढ़ गए हैं जबकि 7 महीने में सिलेंडर के दामों में 8वीं बार बढ़ोतरी की गई है। राजधानी दिल्ली में सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत अब तक 432.71 रुपए थी जो कि बढ़ाकर 434.71 रुपए हो गई है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 1.29 रुपए की बढ़ोतरी हुई है जबकि डीजल के दाम में 97 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू हो गई हैं। इसके अलावा एविएशन फ्यूल की कीमतें भी बढ़ी हैं। इससे हवाई सफर भी महंगा हो सकता है। भारत की स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का फ्लाइट टेस्ट आज अब्दुल कलाम आइलैंड से होगा। ट्राई सर्विसेज स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इस मिसाइल को फायर करेगा। अग्नि 4 टू स्टेज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो 20 मीटर लंबी है। इसका वजन करीब 17 टन है। इससे पहले 5 बार 2011, 2012, 2014 और 2015 में इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। 2014 में इसका 2 बार सफल परीक्षण किया गया। सेना इसको पहले से ही तैनात कर चुकी है। इसे अग्नि प्राइम के नाम से जाना जाता है। तुर्की के इस्तांबुल में रियान नाइट क्लब हमले में 2 भारतीय नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। रोर मूवी के प्रोड्यूसर अबीस रिजवी की नाइट क्लब में हुई फायरिंग के दौरान मौत हो गई। अबीस पूर्व राज्यसभा सांसद अख्तर रिजवी के बेटे थे। बॉलीवुड के कई कलाकार रिजवी के परिवार वालों को सांत्वना देने पहुंचे। और कुछ नहीं, इलाज है इन लोगों का, चौराहे पे खड़ा करके इनको गोली मार। वहीं 27 साल की खुशी शाह वडोदरा की रहने वाली थी और बिजनेस ट्रिप पर तुर्की गई थी। उनके परिवार वाले और दोस्त सदमे में हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमने सपोर्ट हेल्प मांगी और वहाँ से हमको इमीडिएटली हेल्प मिली और उनके सपोर्ट से उनके ब्रदर, उनके कजिन को आज वीजा भी इमीडिएटली इश्यू हो गया। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के सूर्य नमस्कार करने की तस्वीरों को लेकर हंगामा मच गया है। ट्विटर पर कुछ यूजर्स ने सूर्य नमस्कार को मजहब के खिलाफ बताते हुए कैफ से पूछा कि वो ऐसी विवादित तस्वीरें क्यों पोस्ट कर रहे हैं। जवाब में कैफ ने सूर्य नमस्कार को संपूर्ण व्यायाम करार देते हुए सवाल किया कि किसी एक्सरसाइज का धर्म से क्या लेना देना है। कैफ ने सूर्य नमस्कार की फोटो के साथ सूर्य नमस्कार से शरीर को होने वाले फायदे भी लिखे।
दिल्ली के स्कूलों में आज से नर्सरी एडमिशन की दौड़ शुरू हो गई है। दिल्ली के 1400 स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म आज से मिलने लगेंगे। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी है। ये स्कूल एडमिशन को लेकर अपने क्राइटेरिया खुद बना सकते हैं। हालांकि पिछले साल सरकार की तरफ से खारिज किए गए 51 क्राइटेरिया को ये लागू नहीं कर सकते, जिसमें पेरेंट्स एजुकेशन, पेरेंट्स प्रोफेशन, उम्र, मौलिक टेस्ट या इंटरव्यू भी शामिल है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि बाकी 285 स्कूलों के लिए एडमिशन प्रक्रिया का ऐलान बाद में किया जाएगा। हालांकि इससे पहले सरकार ने ये कहा था कि डीडीए की जमीन पर बने स्कूलों को सिर्फ डिस्टेंस क्राइटेरिया के आधार पर एडमिशन लेना होगा। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के लिए फैसले की घड़ी आ गई है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने को लेकर करीब 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद आज फैसला आने की उम्मीद है। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर रिटायर होने से पहले इस पर फैसला सुना सकते हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और अपने तेवर भी साफ कर दिए थे। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के लिए साल की शुरुआत से ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हों पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जा सकता है। अगर बिना शर्त माफी न मांगी तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अनुराग पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट से झूठ बोला और सुधार प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि अनुराग ठाकुर ने इन आरोपों से इनकार किया है।